कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफील टैरो में, एंड मैं हूँ महाचार्य रूही। एंड आज की जो रीडिंग है, ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस हैं, वो हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट बिना किसी देरी के। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइम बेस्ड रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। चलिए, कैंडल वैक्स रीडिंग आपको मिलने वाली है आज रात। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ओके, डिवाइन में प्लीज गाइड करें। एस ऑफ इंटेलिजेंस की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है, नाइन ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, द टावर की एनर्जी है, नाइट ऑफ करिश्मा का कार्ड है, टू ऑफ विजडम का कार्ड है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ करिश्मा का कार्ड। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना, इनके दिल दिमाग में रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन ने कितने ज़्यादा एफर्ट लगा करके आपको पाया था और फिर भी आप इनको मिले नहीं। जिस तरीके से ये पर्सन चाहते थे, उस तरीके से आप इनको मिले नहीं हो। इनको लगता है कि यार, मैंने जो चाहा ना, वो अभी तक मुझे नहीं मिला अपने पार्टनर के साथ। वो स्पेशल टाइम नहीं मिला, वो स्पेशल पर्सन नहीं मिला, वो स्पेशल चीज़ें नहीं मिली, या स्पेशल जो एहसास होता है आपके पार्टनर को, लगता है कि वो मैंने एहसास अभी तक नहीं किया है उसका। यानी कि आपका जो एहसास है, आपके पार्टनर देखना चाहते हैं आप किस तरीके से, कितना ज़्यादा ट्रू तरीके से इनसे प्यार करते हो, या कि ट्रू तरीके से जो है ना, इनके साथ रह सकते हो, ये भी एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के काफ़ी सीरियस हो रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर अपने आप को धीरे 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 करके है ना, लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस यस यस, आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो अपनी लाइफ के साथ है ना करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि धीरे 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 करके बदलाव आएगा, धीरे धीरे करके चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखता है कि नो कॉन्टैक्ट अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी है ना, तो नो कॉन्टैक्ट तो लाजमी है। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, एंड जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, प्यार तो दोनों के बीच में है, प्यार तो दोनों ही करते हो और दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो इस रिलेशनशिप में रियूनियन का। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि आपका कनेक्शन हो, या शादी के पर्पज़ से आप लोग मिले हो, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बातें नहीं हो रही हैं, ये भी एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा सा एक होता है ना कि वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस है ना, वो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस हो रहा है। एंड ये पर्सन लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। लाइफ में जो पॉजिटिविटी है ना, उसको ये पर्सन अपनी लाइफ में है ना, एक होता है ना कि हाँ, लेके आना, तो वो लेके नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जितना भी गैप है,
है ना, वो गैप कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है या आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो आपके पार्टनर को करना है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि यस यस यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, बहुत चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे अपने आप में कहीं ये पर्सन माइंड लगा रहे हैं। देखो, ये पर्सन माइंड गेम खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन माइंड गेम नहीं खेलते हैं। ये पर्सन ने आपको टटोलना भी जो है ना सीखा है, या आपको टटोला है, अपनी बातों से आपको परखा है, अपने बातों से होता है ना कि इनके दिल में चलता है कि पहले मैं जान लूँ कि उसका क्या कहना है, या वो क्या चाहता है, या वो क्या चाहती है, उसके अनुसार से जो भी मेरा एक्शन होगा, जो भी मेरा डिसीजन होगा ना, वो होगा। तो आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके पार्टनर को अपने आप के ऊपर ब्लेम नहीं आने देना है। आपके पार्टनर को ऐसा है कि ये पर्सन जो है ना बच के रहना चाहते हैं। इस पर्सन के दिल में दिमाग में चलती हुई जो चीज़ें नजर आ रही है ना, वो ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि इनको ना बच के रहना है। इनको ये नहीं होना है कि हाँ तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया। तो इनको थोड़ा सा वो मेंटेन करना है कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा या वैसे नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा मुझे फील हो रहा है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एंड मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर वो दिख रहा है जज्बा जो होता है ना कि हाँ न्यू बिगनिंग करने का, न्यू बिगनिंग करके आपके साथ रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को क्रिएट करने का। तो यहाँ की एनर्जी मुझे दिख रही है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, क्या हैं ये चेंजेस या क्या हैं ये चीज़ें, आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। लेकिन क्या है, इनके दिल दिमाग में ये भी चल रहा है कि अभी फ़िलहाल हम लोग नो कांटेक्ट में हैं, और कांटेक्ट में आने का मतलब ये है कि इतना टफ है, इतना ज़्यादा मुश्किल है, कैसे हम जो है कांटेक्ट में आ सकते हैं, या कैसे जो है हम इस परेशानी को डील कर सकते हैं, ये पर्सन की एनर्जी बता रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है जो खाए जा रहा है। सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है ना, ये करने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर वो चेंजेस कर नहीं पा रहे हैं। सो यस यस यस, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है, यहाँ यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को आपका प्यार चाहिए, और आपके पार्टनर को आपका प्यार इसलिए भी चाहिए क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके ज़िंदगी में आएंगे ना, तो इनके ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ होगा जो ये पर्सन चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे स्टैंड लेना नहीं चाह रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के अंदर एक होता है ना कि हाँ फैमिली, सोसाइटी, फलाना डिमका, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोच करके है ना आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन कभी भी अपना एक सेल्फ जो होता है ना कि सेल्फ डिसीजन कह सकते हैं कि इनका जो है ना होता है, लेकिन ये पर्सन फिर जाके डिस्कस करते हैं और फिर इनका माइंड मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो आपके पार्टनर के दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती तो हैं, लेकिन वो चलना और फिर से चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा सर्च करना थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। फाइव ऑफ इंटेलिजेंस, यस, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जाता है, हर वक्त किया जाता है, और ये पर्सन मैनिपुलेट होते भी हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैनिपुलेट होते भी हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ फीलिंग्स हैं, काफ़ी कुछ इमोशंस हैं, जहाँ पे मुझे दिखता है कि यस यस यस, आपके पार्टनर के अंदर वो दर्द, वो तकलीफ मुझे दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि यस, आपके पार्टनर मैनिपुलेट तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है कि यस, एस ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा एक जो होता है ना कि हाँ जस्टिस करने की चाहत होती है, जस्टिस करने की एनर्जी होती है, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, ये पर्सन आकर आपकी लाइफ को थोड़ा सा होता है ना कि हाँ चेंज करना, आकर के अपनी लाइफ को बहुत सारी चीज़ों के साथ मैनेज करना, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ जी नहीं पाएंगे, या कभी कभी लगता है कि
क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं ये भी सोचकर आपके पार्टनर थोड़ा सा घबराते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे काफ़ी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी माइंड को होता है ना कि हाँ स्ट्रेस में आता है और चीज़ें धीरे 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 करके नॉर्मल करने के मूड में आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप दोनों के बीच में जो भी होना है ना वो हो जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो भी होना है वो हो जाए एंड जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से काम करें। देखिए आपके पार्टनर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपको चीट करना या आपको गलत वे में लेके जाना, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पर्सन होता ना, हर किसी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्लैरिटी लाने में टाइम लगता है, लाइफ में चेंजेस लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके पार्टनर का वही है, आपके पार्टनर का थोड़ा सा दिल दिमाग जो है ना उस वे में जाता हुआ दिख रहा है कि हाँ मुझे चीज़ें सही करनी है लेकिन एक सही वे में, है ना। तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है एंड मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि यस आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हाँ इनको कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो होते हैं ना कि टाइम के साथ सेटल करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर के दिल दिमाग में वही आ रहा है कि ठीक है अभी नॉर्मल नहीं है, बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो यस मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे और जिन लोगों ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, जिन लोगों ने आपके पार्टनर को तोड़ा है, आपके पार्टनर के विश्वास को तोड़ा है, ये पर्सन उनके मुंह पे जवाब देंगे क्योंकि इनका है कि हाँ जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना उसको सही वे में डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करेंगे तो ही ये पर्सन आपके साथ एक्टिव भी रह सकते हैं या कहे तो अच्छे तरीके से रह भी सकते हैं, ऐसी वाइब ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। सो यस ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। चलिए रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है एंड लव यू ऑल।